would have been here till tomorrow otherwise, I swear. Nobody will talk on him. Only we are going to hear Sanjay. कहाँ देखना है पहले? बोथ मतलब वी लुक समटाइम या समटाइम आई लुक एट यू थैंक यू ट्रेलर में दिखी पता है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि इनफैक्ट मैं कितने टाइम के बाद इतना लाइक अ वेब सीरीज ऑलमोस्ट पहला वेब सीरीज है ये मेरा यार आई डिडंट रियलाइज दैट एक्चुअली इट इज सो थैंक यू सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं कितने दिनों राधा महीनों और सालों के बाद शूट कर रही थी एक 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 महीना एट अ स्ट्रेच सो आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड और मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सो ऑल इन ऑल बढ़िया रहा लाइक यू नो लास्ट सीजन माय कैरेक्टर हैड लाइक यू नो ऑब्वियसली ऑल कैरेक्टर्स वर इंट्रोड्यूस बट माय कैरेक्टर जस्ट हैड अ वेरी वन डिमेंशनल बट हियर इट्स लाइक यू नो यू एक्सप्लोर चांदनी सो मच मोर यू सी द अदर साइड ऑफ हर जो बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं था बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट नो या आई मीन आई हैड फन एंड आई हैड फन डिस्कवरिंग द कैरेक्टर मोर And obviously, like, you know, we have such wonderful additions. There is Aman, there is Naheed. So love you, yeah. I'm so happy, man. And, you know, so I think, also the thing is, ki season 1 mein toh hum achhe friends ban gaye the, lekin season 2 mein aur pakke dost ban gaye. Toh aise apne family ke saath mujhe lagta tha, main roz jaake kuch bana rahi hu ya shoot kar rahi hu. In fact, wohi toh tha na, ki more than anything, hum log itne, we were looking forward to coming and actually hang on set. जो ज्यादा नहीं होता नहीं है मैं होता इतना है, बोल सकती हूँ क्योंकि हम मतलब हम लंच एक साथ करते थे डिनर्स एक साथ करते थे या Yeah, like have each other's back. We really did. There was no competition ki usko itna nothing. It was just like an amazing day at work every single day. Yeah. Ram. I was very excited to be taking a character into a second season because I haven't done that before. So for me that was very exciting because I think in the first season I didn't get to explore the character that much. So I really liked how they took the relationship between Chandni and Radha forward. I liked what they did in season one because it wasn't made into a thing. It was they're living in. And they're just going on about their life, but you know, it wasn't problematic. So I really liked how they took that relationship forward. So I was very excited to play that thing out. You know, बहुत different different अंदाज़ में आप लोगों ने season one की अगर मैं बात करूँ, बहुत different अंदाज़ में आप लोगों ने present किया था और season two आया। थोड़ा-थोड़ा आपके season two के character में थोड़ा-थोड़ा आप जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अंदाज़ में आप लोग accept करना होगा? तो सीजन वन में जो चांदनी वो बहुत ही सीधी साधी स्मॉल टाउन गर्ल शी हैड दिस सेट ऑफ वैल्यूज दैट शी केम फ्रॉम तो वो यू नो वो रिलेटिवली लाइक देविका के ऑपोजिट तो वो बिल्कुल ही मतलब उसका जो पर्सोना है वो बिल्कुल ही अलग है यू नो देविका अगर बहुत ज्यादा बोल्ड है मुंहफट है तो चांदनी वाज अ बिट सबमिसिव दैट वे बट इन दिस सीजन क्योंकि लास्ट सीजन के एंड में उसको पता चल जाता है दैट यू नो हर डैड एंड हर बेस्ट फ्रेंड दे बोथ आर हैविंग अ थिंग सो आई फील थ्रू आउट दिस सीजन शी जस्ट एक्सप्लोर्स एंड शी जस्ट गिव्स इट बैक टू देविका जो वो सीजन वन में नहीं कर रही सो दिस इज अ डिफरेंट साइड ऑफ चांदनी व्हिच आई फील इज ऑब्वियस फॉर एनीवन इन दैट सिचुएशन तो जैसे अगर आप ट्रेलर में भी देखा हो तो मैं बस गालियां डालू मैं बस उसे झगड़े कर रही तो ये शायद आपको देखने ज्यादा मिलेगा बट ऑब्वियसली सिंस दे आर बेस्ट फ्रेंड्स लेट्स होप दैट दे मेक अप एंड या लाइक यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंट साइड ऑफ चांदनी एक्चुअली मैं जो हूँ ना वो इतनी गालियाँ नहीं देती है नहीं देती है मैं मतलब पूरा ही बट नहीं
फर्स्ट सीजन में मैं नहीं थी, सो मेरा इंट्रोडक्शन जो हो रहा है वो यही सीजन से हो रहा है, यही सीजन से, आई डोंट नो इज इट थर्ड सीजन, यही सीजन से हो रहा है. और उसका जो कैरेक्टर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एक कुछ हादसा हो जाता है जिसकी वजह से आदिति सीन पे आ जाती है. एंड हाँ, शी इज़ नॉट अ स्मॉल टाउन गर्ल, वो एक हमारे जैसे मॉडर्न सिटी गर्ल है. सो उसका जो पूरा कैरेक्टर है, पूरा पर्सोना है, द पर्सनैलिटी है, वो इज़ वेरी लाइक अ मच्योर एक्सपीरियंस्ड वुमन. That's how I would say. Well, Radha for me is someone who is all heart, despite having a life of her own, despite having, you know, an established life, a career. I like the fact that she is still a today's girl, but willing to drop everything for the love of her life. She will literally, that's what she does in this show, is she leaves everything behind and follows her heart. So that is something that I really liked. Aur jo andaaz hai aapko wo show dekh ke hi pata chalega. But yeah, I just really like that aspect about the character. You know, season 1 mein to humne aapko बिल्कुल बिल्कुल मैं ट्राई कर रही हूँ कि खुद पे वो प्रेशर ना लूं, क्योंकि अब जितना काम करना था मैंने कर दिया. सो आई थिंक आवर क्रिएटर्स हैव आल्सो डन दैट, सो आई ट्राई, बट आई फील थोड़ा प्रेशर है क्योंकि आई एम प्लेइंग अ लेस्बियन, ठीक है. सो इट इज अ सेंसिटिव सब्जेक्ट. Although in the show, like Romana said, there is no way that they have sensualized it in any way, because it's just as normal, and that is exactly what I like about this equation that Radha and Chandni has, or whatever like the show is trying to portray. But I think because wo ek pressure hai ki kahin pe kuch galat na ho, someone should not feel bad. वैसे तो कुछ है नहीं, they just don't want to like present it in a wrong way. So I think. But no, I don't think you're hurting any sentiments. Yes. So yeah, I think it's just that, you know, like it should fall in the right place. So you have to match the intellect. बट अभी वही है ना, फिल्म भी करें या कुछ भी शूट करें, हम लोग हमारा 100% दे देंगे, फिर उसके बाद ऑडियंस के ऊपर है. एंड यू आर राइट, ऑलवेज सेकंड सीजन या सेकंड पार्ट टू में हमेशा ज्यादा प्रेशर होता ही होता है. बट ये जो आई थिंक सेकंड सीजन जो है वो उसका जो पूरा ट्रैक इतना ही अलग है पहले सीजन से कि देयर इज नो रियल Is there a comparison? I don't think, yeah, except for the characters, yeah. I don't think there is a story comparison at all, really. life mein na, actually main leti hu. Nahi, mujhe tension bhi bahut zyada hota hai, but hai na, main puri zindagi aisi jeeti hu ki main tension lungi, ghabra jaungi, ye karungi, wo karungi, uska fayda kya hai? Kuch nahi. So yeah, just take life as it comes. मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाऊं. इनको बोल, ए अमन, आशिमा, वी आर आल्सो टॉकिंग, हां स्लोली, धीरे, वी आर आल्सो शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, प्लीज कीप इट देयर. हाँ, मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है बिटवीन एक्शन एंड कट, उसके अलावा जो भी है वो हमारे हाथ में नहीं होता है. तो मैं सिर्फ इस चीज़ का प्रेशर भी नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सिंसियरली अपना काम करूँ,
और शो कैसी बनी है वो तो मेरे हाथ में नहीं है, तो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवरिंग द शो जस्ट लाइक द ऑडियंस, बिकॉज यू नो व्हेन यू वॉच इट इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. व्हेन यू शूट इट यू डोंट हैव एन आउटलुक, यू डोंट रियली हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक व्हेन इट कम्स आउट. या टोटली. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवरिंग इट एंड I've just tried to do my part as sincerely and honestly as possible. Ha, obviously, yeah. All to Balaji pe, you know, ye streaming hone wali hai, to aap batai ki aap kitne excited hain. Aap har ek streaming ka time bahut hi nahi hai. Hello, aap se bolenge. Stress to hai. But you know what? See, I'm excited because I pretty much have no idea as to what Nahi track is in the show. Actually, मैंने पढ़ा है बुरी, but I try to avoid all of that. I try to go more in depth with what my character, because I like to keep the excitement. Something that is, you know, novel and something that I've not seen. Yeah. So I'm very much excited. Actually, really speaking, yeah. So I am really excited to see her and you know what her track is, because I really loved. I actually messaged her that, you know, you are like the minute you are there in the frame, the frame just looks more richer, you know. So I'm not so just excited. In the frame, on set as on well. Set also. Okay, my time over here is done. No, but really, these girls are just the cutest, the sweetest. इसलिए मैंने बोला था कि I'm not just saying it, but literally हम लोग जब set पे थे, there was not a day where हम लोग बोलते थे यार उसको इतना ये क्यों वो क्यों. जो आजकल ना is very rare. I don't know why this has happened. जब मैं पहले भी shoot करती थी ऐसा कभी कुछ नहीं होता था. It's very silly. It's so stupid. Stupid बोल सकती हूँ. कुछ भी बोल सकते हैं. अच्छा मेरी तो नहीं बात हुई है. मेरी भी नहीं हुई है, but I think I have auditioned for a couple of season one. अगर उन्होंने देखा हो feedback कुछ ऐसा. उनको पसंद ही आया होगा ना, इसीलिए तो season two में बनाया. हाँ, but वैसे तो कोई मुलाकात नहीं हुई, but yeah, like I have been auditioning for Balaji, like stuff being produced by Balaji for quite a lot, and I never got a chance. And you know, बहुत आप ऐसी बातें हो रही कि जो OTT platform है, OTT show भी होने से censorship की बात है. I feel like it's a bit of a limitation which is not required. I feel like artists or creators and whoever is making something, it's their responsibility and it's their voice. So I feel like that voice should be respected. And I just feel like it kind of contains the creativity. But I do feel like there's a certain sense of responsibility maybe that is required from makers. Once that happens, maybe we won't need the censorship anymore. I think taking off from what she said, what Rumana said, basically I feel like agar something as small as a kiss, okay, main shayad comfortable nahi hungi, but if it is required, then the character is okay doing it, is fine. But agar dalna hi hai, iske liye dal rahe, wo I feel is just weird. But having said that, censorship coming down, itna rigid ki ye nahi kar sakte, wo nahi kar sakte, yeah, that somehow contains the creativity. But abhi dekha jayega, kya, kaise, matlab, kaun se mode pe jane wala hai ye censorship, that we'll have to see. Aaj hone wala tha? So see, I feel that OTT पे एक जो freedom था, क्योंकि हम कई चीजें हैं जो हम TV shows में नहीं करते, और इसीलिए वजह से OTT came in picture, not because you know you can just put like as many makeout scenes or you know kissing scenes या गालियाँ and all, but just to sort of not have a censorship of your thought also or of your beliefs also. Which could happen on TV, which sometimes happens in film, but I think OTT gave that freedom to everyone. कि आप अपने तरीके से खाने बनाएं और जितने आप अलग-अलग तरीके से बता सकते हैं वो कीजिए. I feel that censorship is a problem because it is usually subjective. कब किसी को क्या
ऑब्जेक्शनल लगे या यू नो ऑफेंसिव लगे तो वो उसका निकाले. आई हैव अ फीलिंग दैट इन द सिचुएशन राइट नाउ पीपल माइट नॉट माइंड एज मच ऑफ मेकिंग आउट एंड गाली गलौज, बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ बिलीव्स आई थिंक लोग बहुत ज्यादा आजकल हम ऑफेंसिव हो गए, तो उसके लिए आई फील इट्स सेंसिटिव हो गए कि आई थिंक समटाइम्स दे नीड अ इट वुड जस्ट लाइक ड्रॉप द होल पर्पस ऑफ वेब सीरीज. So I just feel like it needs to be done in a sensible way and not something that would just oppress the creators further more. Ek dar nahi hona chahiye. Also, I kind of feel like makers should not be treated like children. You know, and I feel like if you treat people like children, they'll behave like children. So it's better to give them a sense of responsibility and then see how they use that. Yeah, and very well said. Is what I feel. Maybe we could do so much better with the quality of content or like the quality of making. Yeah, as long as it doesn't so look forced, are, I think it's fine. The minute it starts looking forced, it looks like I you know. Because we are also still exploring. Yeah. This media. Yeah. 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 We are trying to get better at it. Thoda to ho gaya. Yeah. We can't be like so strict about it. Also, I feel. Agree. Dave Double D season 2 is going to start streaming on the 20th of Feb. Go watch it. So it's going to be out on the. Which platform? On all buttons. Yeah. Z5 premium. Z5 yeah. Premium. I won't say all that. I'll just say Dave Double D streaming. Dave Double D is going to start streaming on the 20th of Feb. And it's on two apps. And it's on two platforms, on Balaji and Z5. Go watch it. Go watch it. I'll say go watch it. So when is this going to come out? On the 20th. No? Yeah, so you know, it's out now. Karke bol sakte. Nahi, this is coming out now, he said. भूल ही गई. अच्छा सो नाइ Dave Double D is going to start streaming on the 20th of Feb. And it's going to be out on two platforms, on Balaji and Z5. Go watch it and share your feedback. Yay! Yay! Thank you. Thank you. Kushira, I forgot we have to still go there. Na, mujhe laga ho gaya. But ye mic leke thodi jayegi tu. Nahi, wahi wahi. They are having too much fun. I know, very irritated. No, they are having fun. They just like keep diverting from the topic. So we can also divert. We are going to. I'm going to take those whole set of questions there, but come back. Yeah, big sandwich. Thank you. Thank you.
की वजह से दिखता ही नहीं ना कैमरा ऑफ कर अच्छे नाम दब जाता She likes my cream. Look at him blushing.